तो हम बात कर रहे थे ये जो किसानों की विदेशी उत्पादों से मशीनरी का मुकाबला, यानी कुछ उद्योग तो ऐसे हैं जहाँ तो फायदा मिलेगा, खेती वगैरह है, किसान वगैरह है, लेकिन ऑटोमोबाइल उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, इनमें बड़ी बड़ी कंपनी से हमारा क्या होगा, कंपटीशन होगा, और ये कंपटीशन हमारी जो कंपनी है वो झेल नहीं पाएगी। फिर किसानों की सब्सिडी बंद, उदारीकरण के लिए जो विदेशी लोग हैं, यानी विदेशी जो कंपनियां हैं या विदेशी जो सरकारें हैं, वो कहती हैं कि आप किसानों को सब्सिडी मत दो, क्योंकि वो भी नहीं देते, तो किसानों की सब्सिडी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। यानी किसानों को सिंचाई सुविधा, किसानों को नलकूप, पंप, किस खेती के औजार, और न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसल बीमा, ये सब जो सहायता दी जाती है वो सहायता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और जो न्यूनतम आमदनी उनकी वो भी खत्म हो जाएगी, और किसान क्या करने लगेंगे, आत्महत्या करने लगेंगे, यानी किसानों को नुकसान होगा। फिर जो छोटे उत्पादक है उनको नुकसान होगा, बड़े बड़े उत्पादक तो फिर भी बस निकलेंगे, लेकिन जो छोटे उत्पादक है वो बड़ी बड़ी कंपनियों से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा, सरकारी नौकरी कम होगी, जब सरकारी उद्योग ही नहीं रहेंगे तो रोजगार कहाँ से होगा, यानी जो सरकारी उद्योग है वो नहीं होने से सरकारी नौकरियां कम होगी और प्राइवेट नौकरियां बढ़ेगी। अब हम बात करेंगे भूमंडलीकरण की। ये भूमंडलीकरण क्या है, भूमंडलीकरण का मतलब है कि जो हमारे विश्व है, विश्व में वस्तु पूंजी समाचार सेवा तकनीक का आदान प्रदान होना है। यानी जो वस्तु है, एक तरह से बहुत सारी वस्तु हम अमेरिका को भेजते हैं, अमेरिका हमको भेजता है, पूंजी बड़ी बड़ी कंपनी आती है, या FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट करती है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हमारे यहाँ लगाती है पैसा, कंपनी का सामान वगैरह लेती है, खरीदती है किसानों से, फिर वो लाभ कमाती है। समाचार, सभी प्रकार की सूचना, न्यूज़ वगैरह जो भी है वो सब आना, एक दूसरे की समस्या सुनना। सेवा, हमारे यहाँ के लोग अमेरिकी जो विदेशी कंपनी है उनमें कॉल सेंटर में काम करते हैं, हमारे यहाँ के वो होशियार बच्चे हैं वो अमेरिका चल जाते हैं, या और विदेश में जापान वगैरह चल जाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं। तकनीक, विदेशों से बहुत सारी टेक्नोलॉजी वगैरह हम लेते हैं, उन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम भी आगे बढ़ रहे हैं। इन सभी का क्या होता है, आदान प्रदान। तो ये जो प्रक्रिया वो क्या है, 1980 के दशक के बाद में एक नया आर्थिक युग शुरू हुआ, उसमें भूमंडलीकरण का आविर्भाव हुआ। यानी भूमंडलीकरण क्या है, घटना है जिसमें वस्तु पूंजी समाचार सेवा तकनीक का आदान प्रदान होता है। दूसरा क्या है, इसमें एक कोने के बदलाव से अन्य प्रभावित होता है। अगर किसी एक देश में कोई दिक्कत हुई, एक देश में शेयर मार्केट गिर गए, तो उसका दूसरे देश पर प्रभाव पड़ेगा। एक देश में अगर आर्थिक मंदी आ गई, एक देश में अगर मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाती है, एक देश में अगर कोई भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, तो दूसरे देश पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। ये इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता की बात करें तो तीसरी विशेषता क्या है, नए बाजारों का निर्माण। इसमें क्या होता है, नए बाजारों का निर्माण होता है। अब तक जो वस्तु हमारे लिए अछूती थी, या अब तक जिन वस्तुओं को हमने प्रयोग में नहीं लिया, वो सारी वस्तु अब इसमें आने लगी। जैसे हमारा प्राचीन भारतीय योग है, योग पहले हमारे इसका विषय नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया, योग एक बहुत बड़ा बाजार बन गया। योग के लिए बहुत सारी योग एक्सपर्ट हो गए, योग सिखाने वाले हो गए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, और योग के लिए बहुत तरह की जड़ी बूटियाँ वगैरह आने लग गई। फिर आयुर्वेद, आयुर्वेद पहले हमारा एक प्राचीन विषय था, लेकिन आयुर्वेद क्या हो गया, अब नया विषय हो गया। तो इस प्रकार नए बाजारों का निर्माण होने लगता संस्कृति बाजार का हिस्सा बन जाती है। यानी किसी भी देश की संस्कृति उस वैश्वीकरण में बाजार का हिस्सा, वो भी बाजार के रूप में दिखती है। जैसे हमारे भारत देश में राजस्थान एक राज्य है, उसमें पुष्कर है, पुष्कर में क्या है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, और वहां कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। उस मेले में वो रंगीला मेला बोलते हैं उसको, उसमें बहुत सारे पशु आते हैं बिकने के लिए, बहुत सारे लोग आपस में पशुओं को बेचने के लिए आते हैं, बहुत सारी संस्कृति का आदान प्रदान होता है। तो वो क्या बन गया, बाजार का हिस्सा बन गया, विदेशी लोग बहुत ज्यादा इसको देखने आते हैं। अब बात करें कि भाई नासदाक क्या है, नासदाक क्या है, न्यूयॉर्क अमेरिका में जो न्यूयॉर्क शहर है उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक विनिमय केंद्र है, और NR नारायण मूर्ति कौन थे, ये इंफोसिस के चेयरमैन थे, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है, विंडो वगैरह बनाती है, और सॉफ्टवेयर कंपनी है इंफोसिस। तो इस प्रकार से हम बात कर रहे थे, ये पूरा आपका जो चैप्टर 4 है वो खत्म हुआ, पार्ट 2। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, और
जितने वीडियो उनको शेयर करें। देखो सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए मैंने वीडियो बनाए हैं, इसलिए आप सभी ध्यान से इनको देखें और अपने जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, चाहे आपके गांव में रह रहे हैं, चाहे आपके यूपी में हो, एमपी में हो, बिहार में हो, कहीं भी हो, उन सबको ये वीडियो शेयर करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।